नमस्कार, नमो नारायण। आपका हिंदी मधुर गीत ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के 10 आसान उपाय। पहला, हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा का पाठ करने का स्थान एक ही रहना चाहिए। दूसरा, तीन कोनों वाला दीपक। प्रतिदिन हनुमान भगवान के समक्ष तीन कोनों वाला दीपक जलाएं। दीपक में चमेली का तेल होना चाहिए। तीसरा, चोला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के लिए आपको जनेऊ, लंगोट, सिंदूर, तुलसी की माला, ध्वज, चमेली का तेल, लाल फूल सामग्री चाहिए। चौथा, श्री हनुमान जी के मंत्र का जाप। ओम श्री हनुमन्ते नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। पांचवा, सुंदरकांड का पाठ करें। माह में एक बार मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। छठा, श्री राम नाम का जाप करें। प्रतिदिन श्री राम नाम का विधिवत जाप करें। श्री राम नाम जाप से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सातवां, भोग लगाएं। श्री हनुमान जी को मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन तथा हनुमान जयंती के दिन पंचमेवा, बेसन के लड्डू, बेसन की बूंदी, चूरमा का भोग लगाएं। आठवां, श्री हनुमान पूजा। प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें और श्री हनुमान जी का पूजन करें। यदि आप श्री हनुमान जी की पूर्ण भक्ति करना चाहते हैं तो आपको मांस मदिरा और सभी प्रकार के व्यसन त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन श्री हनुमान जी के साथ विधि विधान के साथ पूजा और मंत्र जाप करना चाहिए। इसके साथ ही श्री राम नाम जाप भी करना चाहिए। श्री राम नाम जाप से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। नवा, गुड़ चने का प्रसाद। अक्सर श्री हनुमान जी को बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाने से मंगल दोष मिटता है। ये मंगल दोष का उपाय भी है। हर मंगलवार और शनिवार को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दसवां, श्री हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसे करना आपके बस की बात नहीं है, तो इस कार्य की जिम्मेदारी श्री हनुमान जी को सौंप दीजिए। इसके लिए आपको करना ये है कि मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। रसीला पान चढ़ाकर मनचाहा वरदान मांग लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।